गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना सी ए इंटर का एफ एम का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ एफ एम के अंदर हमारे पास में दो सब्जेक्ट आने वाले हैं इस ग्रुप के पेपर के अंदर। एक एफ एम का पेपर और एक हमारे पास में पेपर आएगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो एफ एम की जो हमारे पास में मार्किंग होगी 60 नंबर की और इको के अंदर हमारी मार्किंग होगी 40 नंबर की। तो बेटा यहाँ हमारा मेन टारगेट क्या होगा, हमें यहाँ पर अबो एग्जम्पशन चाहिए। इट मीन्स यहाँ हमारा टारगेट क्या होगा, 60 नंबर से अब वो मुझे लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग थोड़ी सी अच्छी मेहनत करते हैं तो 50 से 55 नंबर की रेंज इजिली हम लोग अचीव कर सकते हैं। और फिर बात रहती है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग 20-25 नंबर थोड़े से एफर्ट्स के बेस पर भी अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा टारगेट क्या होता है, 70 से 80 नंबर का, ठीक है। आज की क्लास में मेनली जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो हमारा मेन टॉपिक किसका कवर होगा, ओवरव्यू का। एफ एम में हम लोग क्या क्या रीड आउट करने वाले हैं, हमारा सब्जेक्ट किस रेंज में रहेगा, ठीक है, क्या क्या हमारे पास में वहां पर चैप्टर आने वाले हैं। देखो बेटा, सबसे फर्स्ट एफ एम के अंदर जो हमारे पास में ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी, यानी कि जो हमारी ओल्ड अप्रोच होती थी, वो ओल्ड अप्रोच हमें क्या बताती थी, यानी जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन चेक कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें क्या बताती थी, अरेंजिंग ऑफ फंड्स, यानी फंड्स को हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, हमारे क्या सोर्स रहने वाले हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेक करते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में, ठीक है। यानी ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ क्या थी, जस्ट अरेंजिंग ऑफ फंड्स, फंड्स को मुझे कैसे अरेंज करना है। बट अगर मैं आज की बात करता हूँ, न्यू अप्रोच की बात करता हूँ, मॉडर्न अप्रोच की बात करता हूँ, तो वहां पर हमारे पास सिर्फ फंड्स को अरेंज करना ही इनफ नहीं है, फंड्स को अरेंज करना है इफेक्टिवली, यानी कि उस फंड को अरेंज करने की कॉस्ट हमारी क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो आज की अप्रोच का मेन टारगेट क्या होगा, हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम, ठीक है। कॉस्ट के साथ साथ हमें यह भी चेक करना है जो रिस्क का लेवल है, वो रिस्क का लेवल भी हमारे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू अप्रोच, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, अब मुझे किसके ऊपर जाना है, फंड्स तो अरेंज करने हैं, फंड्स अरेंज करने हैं इस टाइप से ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, और हमारा रिस्क लेवल क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है बेटा। अब ये बताओ, जब हम लोग फंड्स वगैरह अरेंज कर रहे हैं तो फंड्स अरेंज करने के लिए हमारे पास में सबसे फर्स्ट हमारे माइंड में ये आता है, हमें फंड अरेंज करने हैं लॉन्ग पीरियड के लिए या फिर मुझे फंड अरेंज करने हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है बेटा। लॉन्ग पीरियड के लिए वो सारे फंड की हमारी अरेंजमेंट होगी जो हम लोग फिक्स एसेट में लगाने वाले हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो तुम्हें फिक्स एसेट में लगाने के लिए पैसा चाहिए वो हम लोग लॉन्ग पीरियड के लिए अरेंज करते हैं। जब भी लॉन्ग पीरियड की अरेंजमेंट की बात आती है तो हम लोग किसकी तरफ जा सकते हैं, शेयर कैपिटल की तरफ। अब शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हैं और परफेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में थर्ड ऑप्शन आता है लॉन्ग टर्म लोन का। तो लॉन्ग टर्म लोन चाहे तुम बैंक से लोन लो या फिर तुम डिबेंचर वगैरह इशू करो, ये दोनों हमारे पास में एक ही कैटेगरी में आने वाले हैं, ओके। तो मैं अपने एग्जाम्पल में जब भी बोलूंगा कि मुझे लॉन्ग पीरियड के लिए फंड अरेंज करना है, तो मैं उस केस में क्या बोलने वाला हूँ, या तो इक्विटी शेयर के थ्रू अरेंज करो या परफेंस शेयर कैपिटल के थ्रू अरेंज करो या फिर डिबेंचर के थ्रू अरेंज करो। जब हम लोग डिबेंचर बोलेंगे तो वो अंडरस्टूड होगा, उसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन सब कुछ इंक्लूडेड है, ओके बेटा। अब शॉर्ट पीरियड की हमारी अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो शॉर्ट पीरियड की फंड की रिक्वायरमेंट हम लोग कहाँ कहाँ से पूरी कर सकते हैं, या तो मैं शॉर्ट टर्म का कोई लोन ले लूँ, ठीक है, जो हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए हो, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, या फिर ये रिक्वायरमेंट्स हमारी सप्लायर के थ्रू भी पूरी होती है। मान लो मैंने किसी सप्लायर से कोई स्टॉक परचेज किया और वो स्टॉक परचेज कर लिया और सप्लायर ने मुझे 3 मंथ का टाइम दे दिया, भी आप 3 मंथ के अंदर अंदर इसकी पेमेंट कर सकते हो, तो मेरी 3 महीने की क्या हो गई, फंड की अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लेबर से सर्विस ले रहे हैं या फिर किसी और पर्सन से सर्विस ले रहे हैं और उनको भी अगर हम लोग कुछ टाइम पीरियड के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी मेरे पास में एक टाइप से अरेंजमेंट का हिस्सा बन जाएगा, ओके? तो इस फर्स्ट क्लास के अंदर हमें जस्ट ओवरव्यू लेना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है,
तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा भाई? फर्स्ट पार्ट सर, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वहां सिर्फ और सिर्फ हम लोग चेक कर रहे थे फंड को अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज करो। बट जब हम न्यू अप्रोच में आ रहे हैं तो वहां हम ये चेक कर रहे हैं ओनली अरेंज नहीं करना है फंड को, फंड को अरेंज करो इफेक्टिवली ताकि हमारी जो कॉस्ट आए वो मिनिमम आए और साथ में हमारा जो रिस्क का लेवल हो वो भी मिनिमम हो, ठीक है बेटा। तो हमारा जो मेन फोकस होने वाला है फंड को अरेंज करने के लिए, मेन फोकस किसके ऊपर होगा सर? हमारा मेन फोकस होगा लॉन्ग पीरियड के लिए जो हम लोग फंड वगैरह अरेंज करने वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड के लिए जो फंड वगैरह अरेंज किया जाता है ना, एक तो उसकी अमाउंट काफी लार्ज होती है, यानी काफी बड़ी अमाउंट मिलेगी, प्लस जो लॉन्ग पीरियड के लिए फंड अरेंज किया जाता है वहां पर कॉस्ट भी इफेक्टिव होती है, यानी मुझे कॉस्ट के मैटर को भी देखना होता है। बट जब मैं शॉर्ट पीरियड के लिए अरेंज कर रहा हूँ पैसा कहीं से किसी भी थ्रू, चाहे वो क्रेडिटर्स को मैं 3 महीने लेट पेमेंट कर रहा हूँ, तो अगर वो लोग मुझसे इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर मुझे डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, वो सारे फैक्टर हमारे पास टेम्परेरी होते हैं। इसलिए हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होता है? जब हम लोग लॉन्ग पीरियड के लिए फंड को अरेंज कर रहे हैं उसके लिए होता है। अब देखो बेटा, अगर हम लोग लॉन्ग पीरियड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल को अरेंज कर रहे हैं, तो मुझे बता दो इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर क्या कॉस्ट आने वाली है हमारी, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर एज ए कॉस्ट हम लोग इनको क्या देने वाले हैं? सर हम लोग इनको देते हैं डिविडेंड। क्या ये डिविडेंड की रेट हमारे पास में फिक्स होती है? नहीं, कोई फिक्स डिविडेंड की रेट नहीं होती। यहां पर डिविडेंड डिपेंड करता है उस कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उस प्रॉफिट जनरेशन के हिसाब से हम लोग इनको डिविडेंड देने वाले हैं। ओके, परफेंस शेयर कैपिटल के ऊपर भी हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। बट यहां जो डिविडेंड की रेट होती है ये मेरे पास क्या होती है? फिक्स रेट होती है, ठीक है बेटा। अब एक चीज मुझे ये और बता दो, जब भी इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जा रहा है, मान लो कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल है और इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जा रहा है, तो वो जो हमारे पास डिविडेंड की रेट होगी वो हमारे पास डिविडेंड की रेट क्या आएगी? लोअर आएगी या हाइयर आएगी? यानी अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो इन दोनों के अंदर मुझे ये बताओ डिविडेंड की रेट हाइयर किस में होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल में। परफेंस शेयर कैपिटल में यहां पर डिविडेंड की रेट क्या होती है? कम होती है। क्लियर यहां तक बातें? अब बताओ जब हम लोग डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं तो डिबेंचर इश्यू करते टाइम मुझे डिबेंचर होल्डर को क्या पे करना है? सर डिबेंचर होल्डर को हम पे करेंगे इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर को हम लोग क्या पे करने वाले हैं? इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। और ये इंटरेस्ट की रेट हमारे पास क्या होती है? फिक्स होती है। और ये इंटरेस्ट की रेट अगर हम चेक भी करते हैं तो ये हमारे पास में लोअर ही आती है मोस्टली। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जनरली भी हमारे पास में ये रेट क्या आती है? लोअर आती है। बट किसी कंपनी के अंदर अगर फंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वो लोग हाइयर रेट के ऊपर भी डिबेंचर को इश्यू कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट पार्ट ये था हमारे पास भी हम लोग यहाँ पर ये जो फंड वगैरह अरेंज कर रहे हैं उनको पैसे कैसे दे रहे हैं, या तो डिविडेंड की फॉर्मेट के अंदर या फिर हम लोग दे रहे हैं इंटरेस्ट की फॉर्मेट में। तो मुझे बता दो सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल की। उससे कम कॉस्ट हमारी किसकी आएगी? परफेंस शेयर कैपिटल की। और सबसे कम कॉस्ट हमारी किसकी आएगी? डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हो वहां पर एक बेनिफिट और भी होता है। क्या बेनिफिट होगा बेटा? टैक्स सेविंग का, ठीक है ना। जब भी हम लोग इनकम टैक्स वाले चैप्टर के अंदर पीजीपीपी चैप्टर में जाते हैं तो वहां पर जितना भी इंटरेस्ट पे किया है किसी कंपनी ने, उस इंटरेस्ट के अमाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं? डिडक्ट करवा देते हैं। तो इसका मतलब उतने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और मुझे टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। सर ये बात क्लियर नहीं हुई तो बेटा यहाँ चेक करो, मान लो पीजीबीपी के अंदर हम लोग इनकम निकाल रहे हैं, तो मेरी इनकम आ रही है यहाँ पर, कितनी इनकम आ रही है? सपोज करो 5 लाख रुपीज। और उस 5 लाख रुपीज में से अगर मुझे इंटरेस्ट पे करना है 1 लाख रुपीज, जो कि मैं यहां पर देने वाला हूं, किसको देने वाला हूं? डिबेंचर्स होल्डर को। तो रिमेनिंग 4 लाख रुपीज हमारे पास बचेंगे जिसके ऊपर मुझे टैक्स को चार्ज करना है। बट अगर यही बात आती है डिविडेंड की, चाहे वो इक्विटी का डिविडेंड हो चाहे वो परफेंस का डिविडेंड हो, तो वो कभी भी अलाउ नहीं होता है। यानी पीजीपीपी वाले चैप्टर में हम लोग ये कवर कर चुके हैं, कोई भी अप्रोप्रिएशन की आइटम
जो इक्विटी शेयर को डिविडेंड के तौर पर दी जा रही है या प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड के तौर पर दी जा रही है, वो हमारी पीजीबीपी की इनकम में से अलाउ नहीं होती वो खर्चा, यानी उस खर्चे को हम लोग अलाउ नहीं करते, बट जो हमारे पास इंटरेस्ट पे किया जा रहा है डिबेंचर्स के ऊपर उसको हम लोग अलाउ करते हैं। तो मुझे यहाँ से भी बेनिफिट मिलता है। अब मुझे इस 1 लाख रुपए की अमाउंट के ऊपर, मुझे अब इस 1 लाख रुपीज के अमाउंट के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर ये इंटरेस्ट मैं नहीं दे रहा होता, मैं डिविडेंड पे कर रहा होता, तो मुझे यहाँ पर पे करना पड़ता 5 लाख रुपीज के ऊपर टैक्स, बट बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट अब मुझे पे करना पड़ेगा 4 लाख रुपीज के ऊपर टैक्स। तो यहाँ से भी मेरी क्या आ रही है, सेविंग आ रही है। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखो। अगर हम लोग कोस्ट वाइज चेक करें तो सबसे हाइयर कोस्ट किसकी आ रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल, देन उससे लोअर किसकी आएगी, परफेंस शेयर कैपिटल, और सबसे लोअर किसकी आएगी, डिबेंचर्स की। ओके, अब एक चीज और बताओ, रिस्क का लेवल किस में ज्यादा होगा? बताओ बेटा, अगर मैं रिस्क के लेवल की बात कर रहा हूं, मैं पहले यहां लिख देता हूं कोस्ट, सबसे हाईएस्ट कोस्ट किस में आने वाली है, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। सबसे लोअर कोस्ट, सबसे मिनिमम कोस्ट किस में आने वाली है हमारे पास में, डिबेंचर्स के अंदर। परफेंस शेयर कैपिटल हमारे पास में सेकंड नंबर पे आ जाएगा, यानी अगर मैं कोस्ट वाइज इनको रैंकिंग दूं तो फर्स्ट नंबर कौन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड नंबर कौन आ जाएगा हमारे पास, परफेंस शेयर कैपिटल, और थर्ड नंबर पे यानी सबसे लोवेस्ट कोस्ट हमारे पास किसकी आ जाएगी, सबसे लोअर कोस्ट किसकी आ जाएगी, डिबेंचर्स की। अब यहां अगर मैं रिस्क लेवल की बात करता हूं, बेटा यहां देखो रिस्क लेवल क्या हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को तुम्हें डिविडेंड तो पे करना है, बट डिविडेंड उसी केस में पे करना है जब तुम्हारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर कहीं से प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है कंपनी के पास, या फिर प्रॉफिट की अमाउंट कम है, तो कंपनी को यहां पर इक्विटी वालों को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता। तो यहां पर रिस्क लेवल मेरा क्या हो जाएगा, सबसे लोअर हो जाएगा। अगर मैं रिस्क के रिगार्डिंग चेक करूं तो रिस्क मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे लोअर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं उसके बाद बात कर रहा हूं परफेंस शेयर कैपिटल के ऊपर, तो परफेंस शेयर कैपिटल के ऊपर एज कंपेयर इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा रिस्क क्या होता है, हाई होता है। बिकॉज परफेंस शेयर कैपिटल के ऊपर मान लो 1 साल मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर मुझे डिविडेंड डबल देना होगा। सपोज करो 2016-17 के अंदर मुझे यहां पर 10,000 रुपीज का डिविडेंड पे करना था परफेंस शेयर वालों को, बट मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो मुझे अब क्या करना होगा बताओ, जैसे ही 17-18 ईयर आएगा मुझे पे करना पड़ेगा 20,000 रुपीज। बिकॉज जितने भी हमारे परफेंस शेयर कैपिटल होती हैं मोस्टली कम्युलेटिव होती है। कम्युलेटिव का मतलब क्या होगा बेटा, जितना भी हमारे पास में डिविडेंड है वो कम्युलेटिव होता जाएगा, एड ऑन होता रहेगा। तो मुझे अब यहाँ पर डिविडेंड कितना पे करना पड़ता है, 20,000। तो एज कंपेयर इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर रिस्क हमारा क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। पर जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, हाईएस्ट रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क मेरे पास में डिबेंचर्स के अंदर है। क्यों भाई, डिबेंचर्स होल्डर्स को हम लोग कभी भी, चाहे हमारा लॉस ही क्यों ना हो, हम लोग उनको डिनाई नहीं कर सकते, हम उनकी पेमेंट को पोस्टपोन नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट होता है, वो कोर्ट में जाकर हमारी लिक्विडेशन के लिए अप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रिस्क लेवल चेक करूँ तो नंबर वन सबसे ज्यादा रिस्क किसका होगा, डिबेंचर्स का। देन सेकेंड नंबर के ऊपर रिस्क किसका है, परफेंसर कैपिटल का। देन थर्ड नंबर के ऊपर रिस्क हमारे पास किसका आएगा भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल का, ठीक है बेटा। तो जब हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सबसे फर्स्ट हमें ये चेक करना है कि हमारी जो यहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, जस्ट अरेंजिंग फंड्स, सिर्फ फंड को अरेंज करो। पर जो हमारी न्यू अप्रोच है, जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, वो हमें क्या बताएगी, फंड तो अरेंज करो बट इन दोनों के बीच में बैलेंस भी होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में हमारा बैलेंस मेंटेन होके रहना चाहिए। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर ही हम कोई ना कोई फंड वगैरह अरेंज कर सकते हैं। ओके, क्लियर यहां तक बातें। तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट पार्ट जो आता है वो आएगा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स
क्या हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा अरेंज करें, या परफेंस शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा अरेंज करें, या फिर हम लोग डिबेंचर के थ्रू पैसा अरेंज करें। मैं जब भी डिबेंचर्स बोलूंगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन सारे के सारे हमारे क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने 10 लाख रुपीज की इशू कर दी, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू मैंने 10 लाख रुपए अरेंज कर लिए, परफेंस शेयर कैपिटल के थ्रू मैंने 8 लाख रुपए अरेंज कर लिए, डिबेंचर्स के थ्रू मैंने 4 लाख रुपए अरेंज कर लिए, तो बताओ बेटा टोटल पैसा मैंने कितना अरेंज कर लिया। सर 22 लाख रुपए आपने अरेंज कर लिए, यानी 22 लाख रुपीज मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट कर ली। अब बताओ एफएम के अंदर अब फाइनेंस मैनेजर का नेक्स्ट काम क्या होगा, ये जो आपने यहाँ पर 22 लाख रुपए अरेंज कर लिए, इस 22 लाख रुपए को मैं किस प्रोजेक्ट में लगाऊं, यानी इस 22 लाख रुपीज को मुझे कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है, किस वे में मैं इसको इन्वेस्ट करूं, वो हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि सोर्स जनरेट करो, देन हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी मैं इस अमाउंट को कहां पर यूटिलाइज करूं। ठीक है बेटा, अब मुझे बता दो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं। ठीक है, मेरे पास में 2 प्रोजेक्ट हैं, मेरे पास में 2 प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट ए और सेकंड मेरे पास में है प्रोजेक्ट बी। ठीक है, आज की सारी क्लास ओवरव्यू के बेस पे चलेगी, तुम्हें इसके बेस पर बुक्स में जाके कुछ भी रीड आउट नहीं करना है, बस इतना ही अपने माइंड में रखना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस सिर्फ फाइनेंस को अरेंज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, आज के टाइम में इफेक्टिवली मैनेज करना हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाएगी। और उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास में मेन पार्ट क्या होगा, फाइनेंसिंग डिसीजन, फंड्स को हम लोग अरेंज कैसे करें, देन फंड्स को हम लोग इन्वेस्ट कहां करें। तो मान लो मेरे पास में 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही है 22 लाख रुपीज, बताओ बेटा मैं किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं, मैं किस प्रोजेक्ट में यहां पर पैसा लगाऊं, प्रोजेक्ट ए के अंदर या फिर प्रोजेक्ट बी के अंदर, हम लोग यहां पर किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, बताओ किस प्रोजेक्ट में मुझे पैसा लगाना चाहिए। सर हम लोग सिर्फ कॉस्ट की इंफॉर्मेशन के बेस पर ये डिसाइड नहीं कर सकते भी हमें किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, आप साथ में हमें इसका कैश इनफ्लो बताओ। कैश इनफ्लो का मतलब क्या होगा बेटा, मैं तुम लोग को यहाँ पर साथ में ये बता रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट से हमें कितना कितना प्रॉफिट होने वाला है हर साल, यानी कितने कितने पैसे की मुझे रिकवरी होने वाली है। अगर मैं ये कहता हूँ ये मेरा प्रोजेक्ट है 3 ईयर का, और सेम मेरे पास ये प्रोजेक्ट हमारे पास में 3 ईयर के अंदर, तब मुझे ये बता दो भी हमें किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। मान लो फर्स्ट प्रोजेक्ट से मुझे पैसा मिल रहा है 10 लाख रुपीज, देन उसके बबाद पैसा मिल गया मुझे 9 लाख रुपीज, देन थर्ड ईयर मुझे यहां पर पैसा मिल गया 8 लाख रुपीज, बताओ बेटा कितना पैसा मुझे टोटल मिल गया। सर आपको पैसे मिल गए यहां पर 27 लाख रुपीज। ठीक है, यही अगर मैं सेकंड प्रोजेक्ट में चेक कर रहा हूं तो वहां मेरा कैश इनफ्लो कुछ डिफरेंट आ रहा है, यहां मेरा कैश इनफ्लो आ रहा है 8 लाख रुपीज, देन सेकंड ईयर आ रहा है मेरे पास में 9 लाख रुपीज, और थर्ड ईयर आ रहा है मेरे पास में 10 लाख रुपीज, टोटल तो यहां पर भी मेरे पास में 27 लाख रुपीज ही आया है। अब मुझे बता दो मुझे प्रोजेक्ट ए में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या प्रोजेक्ट बी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, बताओ बेटा सोचो ये कंसेप्ट और मुझे बताओ मुझे पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। सर यहां पर दोनों ही साइड जो टोटल अमाउंट मुझे रिकवर हुई है वो टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, 27 लाख रुपीज। बट बेटा एक चीज और भी चेक करो, ये प्रोजेक्ट कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा सर यहां पर तो प्रॉफिट क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है, और यहां पर प्रॉफिट हमारे पास क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमें कहां जाना चाहिए, डिक्लाइनिंग की तरफ या फिर इंक्रीमेंट की तरफ। बेटा ये मत देखो ये प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड ओनली 3 ईयर है, प्रोजेक्ट ए मेरा कितने साल चलने वाला है, 3 ईयर, प्रोजेक्ट बी मेरा कितने साल चलने वाला है, 3 ईयर, इसका मतलब आफ्टर 3 ईयर ये प्रोजेक्ट के अंदर डिक्लाइनिंग या इंक्रीमेंट का कोई टॉपिक रहने वाला ही नहीं है। इट मींस मुझे इस बेस पे डिसाइड नहीं करना ये प्रॉफिट हमारा डाउन हो रहा है
या ये प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है, इस बेस पे मुझे चेक नहीं करना है, मुझे ये बेस चेक करना है जो टोटल मुझे बेनिफिट मिलेगा वो किस में ज्यादा मिलने वाला है। सर यहाँ तो मुझे दोनों में ही बेनिफिट सेम दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में अगर तुम देखते हो तो बेनिफिट प्रोजेक्ट ए में ज्यादा है। बताओ बेटा ज्यादा कैसे है? सर यहाँ मुझे 10 लाख रुपीज मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, यहाँ मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे पहले साल के लास्ट में, जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ आगे वाले पीरियड के लिए। यहाँ मुझे 9 लाख रुपीज मिलेंगे सेकेंड ईयर के एंड में, और यहाँ मुझे थर्ड ईयर के एंड में मिलेंगे 8 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पर सेम सिस्टम क्या, फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड और थर्ड ईयर का एंड, यानी यहाँ स्टार्टिंग में पैसा मुझे ज्यादा मिल रहा है और यहाँ स्टार्टिंग में पैसा मुझे कम मिल रहा है। तो जिस प्रोजेक्ट में तुम्हें स्टार्टिंग में पैसा ज्यादा मिलेगा वो हमारे लिए क्या होता है, ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है बेटा, अगर अमाउंट हमारे पास में दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर सेम कवर हो रही है, अगर मेरी अमाउंट दोनों ही प्रोजेक्ट में सेम कवर हो रही है, तो मुझे उस प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए जहां पर हमारे पास में स्टार्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम लोग चेक करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर। बिकॉज जो रुपया मेरे पास आज है या फिर जो रुपया मेरे पास 1 ईयर बाद है, क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? नहीं, वहां पर इंटरेस्ट फैक्टर आ जाता है मेरे पास। तो जहां तुम्हें अमाउंट स्टार्टिंग में ज्यादा कवर हो रही है वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी एज कंपेयर वही अमाउंट अगर तुम्हें 2 साल 3 साल बाद मिलती है। ठीक है बेटा, तो ये वाला कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, जो हमारे पास में चैप्टर आएगा कैपिटल बस्टिंग का। तो हमारे पास 3 पार्ट यहाँ कवर होते हैं। पहला पार्ट हमने क्या किया, फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकेंड पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर प्योर हमें ये चेक करना है कि हमने जो फंड अरेंज कर लिया, जो हमने यहाँ पर फंड की अरेंजमेंट कर ली, अब उस अरेंजमेंट को हम लोग यूटिलाइज कहाँ करें, वो हमारा मेन पार्ट जाएगा सेकंड के अंदर, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब देखो बेटा जो हमारे पास में थर्ड पार्ट आने वाला है, फिर उसके बाद अब जो हमारा थर्ड पार्ट आने वाला है वो आने वाला है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग क्या होगा कि यहां पर अब फर्म को ये पॉलिसी बनानी है, फर्म की अब क्या पॉलिसी बनेगी कि प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर 2 चीजें इफेक्ट करती हैं। क्या क्या चीजें इफेक्ट करेंगी? एक तो यहां पर इफेक्ट करेगी शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट, एक तो यहां पर डिपेंड करेगी शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट। फिर सबसे फर्स्ट कंपनी ने क्या किया, सोर्स अरेंज कर लिया, जिसको हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन में दिखा चुके हैं। सेकंड कंपनी ने क्या किया, वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कर दी किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि प्रॉफिट अर्न कर लिया। प्रॉफिट वगैरह अर्न करने के बाद अब कंपनी ये डिसाइड कर रही है उस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग चेक करते हैं शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ऐसा भी नहीं है अभी हम लोग पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ऐसा भी हमारे पास में नहीं होगा कि हम लोग वहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल भी ना करें। तो ये अब हम लोग डिपेंड करते हैं डिविडेंड डिसीजन के अंदर। ठीक है, शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट को भी चेक करेंगे और साथ में हम लोग मार्केट को भी चेक करेंगे। ठीक है बेटा, तो डिविडेंड डिसीजन से ये 2 चीजें हमारी अफेक्ट होने वाली है। जो चैप्टर हमारे पास में आएगा डिविडेंड पॉलिसी, एंड फिर हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा डिविडेंड पॉलिसी के जो अफेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो मेन अभी तक जो हम लोगों ने रीड आउट किया वो क्या क्या रीड आउट किया, समराइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो सोर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, सोर्स ऑफ फंड, फंड को अरेंज करने के सोर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म फंड्स की, बिकॉज शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट जो होगी वो हमारे वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में जाएगी। तो सोर्स ऑफ फंड्स मेन हमारा फोकस किसके लिए होता है, लॉन्ग रन वाले फंड के लिए। तो लॉन्ग पीरियड के लिए तुम्हें कितनी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं फंड्स की,
ठीक है, सोर्स ऑफ फंड्स के अंदर। सर यहाँ पर हम लोग पैसे वगैरह अरेंज कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू, परफेंस शेयर कैपिटल के थ्रू, या फिर हम लोग अरेंज कर सकते हैं डिबेंचर के थ्रू। डिबेंचर्स के अंदर जितने भी मेरे लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आएंगे सब कुछ इंक्लूड आ जाएंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल की हम लोग कोस्ट चेक करेंगे, देन परफेंस शेयर कैपिटल की हम लोग कोस्ट चेक करेंगे, और डिबेंचर की हम लोग यहाँ पर कोस्ट चेक करने वाले। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोस्ट किसकी होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल की। देन सेकेंड नंबर के ऊपर कोस्ट किसकी होगी? परफेंस शेयर कैपिटल की। और सबसे लास्ट नंबर के ऊपर यानी सबसे लोअर कोस्ट किसकी होगी? डिबेंचर होल्डर की। ठीक है, फिर हम लोग चेक करते हैं सर यहाँ पर रिस्क, रिस्क का लेवल सबसे ज़्यादा हमारे पास में किसके अंदर होगा, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल में सबसे कम रिस्क का लेवल होता है, यानी मैं क्या बोल दूंगा, थर्ड पोजीशन। और परफेंस शेयर कैपिटल में मेरा रिस्क का लेवल क्या होता है? सेकंड नंबर। ठीक है, और जब हम लोग डिबेंचर्स में चेक कर रहे हैं तो वहां हमारा रिस्क का लेवल क्या होगा? सबसे हाई होगा। ठीक है, यानी सोर्स ऑफ फंड्स लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है बेटा, उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोगों ने सेकंड पार्ट किया, वो सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या होगा? सेकंड पार्ट हम लोग चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो पैसा हम लोगों ने अरेंज कर लिया है, अब उस पैसे को हम लोग कहाँ यूटिलाइज करें। ठीक है, मान लो हमारे पास में 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम लोग किस किस प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं, तो वो डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट की रिवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, किस प्रोजेक्ट से मुझे कितना पैसा जनरेट होगा वो चीज वहां पर चेक की जाती है। ठीक है, मान लो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है प्रोजेक्ट ए में, तो मैं प्रोजेक्ट ए को दूंगा रैंकिंग 1, प्रोजेक्ट 2 सेकंड रैंकिंग, प्रोजेक्ट सी थर्ड रैंकिंग। ये सारा सिस्टम हम लोग चेक करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। जैसे ही तुमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, प्रोजेक्ट में पैसे लगा दिए, तो हर साल जितना प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को हम लोग शेयर होल्डर में कैसे डिवाइड करें, वो फिर हम लोग चेक करते हैं डिविडेंड डिसीजन में। ठीक है, तो आज के लिए बस हमारा बेसिक ही पार्ट था बेटा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने ये रीड आउट किया कि हमारे पास में फंड को हम लोग अरेंज कैसे करें, देन जो हमारा फंड अरेंज हो चुका है उसको फिर हम लोग इन्वेस्ट कहाँ करें, और जितना प्रॉफिट हमने कमा लिया वो हम लोग डिविडेंड के तौर पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके, तो आज के पार्ट के लिए सिर्फ तुम्हें क्लास ही देखनी है, इसके अलावा कोई भी थ्योरी का पार्ट हमें नहीं करना। कल से हम लोग अपनी क्लास के अंदर अपना सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके,